आज तक ऐसे ही स्वागत होता है? स्वागत तो हर किसी का होता है, लेकिन एक ये प्यार है लोगों का जो इतनी तालियां इतनी देर तक बजती हैं। डेब्यू आपका 1 अप्रैल को हुआ था? हाँ, पाकिस्तान में। नहीं, इंडिया में। पाकिस्तान के खिलाफ, माफ कीजिए। तो वो कैसा स्वागत था? माइक। वो अप्रैल फूल मेरा। सो दो बोले खेली, एक रन बनाया और वापस आ गया। बट दो बोले खेलने के लिए आप यकीन मानोगे, मोहाली में था तो मोहाली का ड्रेसिंग रूम ऐसे ही, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये ग्राउंड है। तो उतर के गया तो बाउंड्री लाइन पे शोएब अख्तर था, तो उसने 38 तक मुझे जितनी गालियाँ आती थी उसने दी, छोड़ा वहाँ तक। फिर आगे शाहिद अफरीदी ने टेक ओवर किया, फिर उसने मुझे क्रीज तक छोड़ा गाली देते हुए। सो दो बॉल खेलने के लिए 20 साल के लड़के ने वो गालियाँ सुनी माँ बहन की, जो उसको आती भी नहीं थी। वीरूपा जी, तो डेब्यू तो उतना अच्छा नहीं रहा, बट जब आउट होके आया तो ये था कि यार अब इनके खिलाफ कुछ ऐसा करना ताकि इनकी गालियाँ बंद हो और फिर मैं इनको गालियाँ दे। आपको समझ आ रही थी गालियाँ? हाँ, मैं मतलब हरियाणवी जाट हूँ तो आती है, बट उस समय तक उतनी नहीं आती थी। मतलब वो ठेठ पंजाबी वाली जो, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट इतनी तो समझ में आ गई थी माँ बहन की। तो वीरूपा जी, एक मोहब्बत आपकी है सोशल मीडिया पे, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान है शोएब अख्तर के साथ, ये कैसी मोहब्बत है? ये मतलब इसका कोई भी नाम दे सकते हैं उस मोहब्बत को, लेकिन हम लोग जब खेलते हैं तो हम लोग ऐसे खेलते हैं जैसे एक हमारा एक लड़ाई हो रही है आपस में, लेकिन जब नहीं खेलते और बाहर होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं तो वो हमारे लिए खाना लेके आते हैं, हमें बाहर लेके जाते हैं। जब वो यहाँ होते हैं तो हम उनके लिए खाना लेके जाते हैं, हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं। तो वो प्यार आज भी है, चाहे वो हम लोग कॉमेंट्री में मिलें या चाहे वो हम लोग बाहर कहीं मिलें, तो आज भी वो है, बैठते हैं, गुफ्तगू होती है। जैसे अभी कतर में लेजेंड लीग हो रही है तो वहाँ पर पाकिस्तानी भी प्लेयर है, इंडियन भी हैं, श्रीलंकन भी, तो आज भी वो महफिलें वहाँ लग रही होंगी, क्योंकि जो बैठकर बातें होती हैं यार दोस्तों की, उसका मज़ा ही अलग है। जो आप कह रहे हैं गालियों से शुरुआत हुई, वो सब याद आ रहा था आपको जब आप मुल्तान में 300 मार रहे थे? मुल्तान तो मेरे ख्याल से बाद में, उससे पहले हम 2003 वर्ल्ड कप खेले थे, तो उस समय भी ये बहुत याद आ रहा था। तो उनको जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को एक ओवर में 19 चौके मारे, तो हर चौके और छक्के पे सूद समेत वो गालियां लौटाई है मैंने, नॉन स्ट्राइकर हैं। पाजी, शोएब अख्तर के साथ आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हर कोई जानता है, खट्टा मीठा होता रहता है। एक कहानी है जब आपने शोएब अख्तर को सचिन पाजी के साथ कुछ जिम वाला सीन हुआ था कि वो अनबैलेंस हो गए थे और आपने शोएब अख्तर को 3-4 दिन डरा कर धमका कर घुमाता रहा, वो क्या है प्लीज? मुझे लग रहा है आज का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान ही है। हम लोग लखनऊ में थे, सारा शहर में, तो वहाँ पर हमारे लिए इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, तो उस डिनर पे परफॉर्मेंस भी थी, शाहरुख खान और वो सब आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना कर रहे थे, तो शोएब अख्तर ने शायद कुछ 2-4 पैक ज़्यादा लगा लिए, तो उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर को उठाने लगे। तो सचिन तेंदुलकर को उठाना आसान काम नहीं है, मतलब हमारी इतनी जनता है, उनका प्रेशर इतना उनके कंधों पर रहता है, तो समझ लो कि 100 करोड़ लोगों को उठाने के बराबर है तेंदुलकर को उठाना, तो इतने भारी हैं। तो उठाने लगे तो गिर गए, अब वो गिर गए तेंदुलकर और शोएब अख्तर दोनों, तो मैं बगल में खड़ा था, मैं हंसा भी, लेकिन मैंने उनको डराया, मैं कहा तो तेरा करियर ख़त्म, क्योंकि तूने हमारे क्रिकेटर को, सबसे बड़े प्लेयर को गिराया है, उसको चोट लग गई है, अब वो BCCI को बोलेगा, BCCI PCB को बोलेगी, तू तो ख़त्म, तू तो मर गया, तेरा कैरियर हो। तो वो 2-3 दिन तक चला सिलसिला, और फिर बाद में उसने सचिन तेंदुलकर जाकर पैर पकड़े, भाई आप ऐसा कुछ मत करना, मेरा कैरियर ना खराब हो जाए। अच्छा, आपके हमने करियर की शुरुआत की बात की, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? बचपन में क्रिकेट आप कैसे खेलना शुरू, नजफगढ़ में क्रिकेट कैसे खेलना शुरू किया आपने? मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था, तो शाम को 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। अब तो लेदर बॉल भी ऐसी मारते जैसे टेनिस बॉल है। वो बाद में आया। तो टेनिस बॉल खेलते थे, 4-4, 5-5 ओवर के मैच होते थे, तो दिन में 3-4 मैच, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक जितने मैच हम ज़्यादा खेल सके, और उनमें 4 ओवर 5 ओवर के मैच में 60 रन 70 रन ऐसे टीम बनाती थी, वो चेज होते थे, कभी 80 रन भी बन जाते थे। तो वो क्रिकेट खेलने का वो शौक था, मतलब वो नहीं था कि मतलब क्रिकेट खेलना है आगे प्लेयर बनना है, कि यार ये 4-4 ओवर के मैचेस खेलने हैं और इनमें छक्के चौके मारने, तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि अच्छा 60 रन बनाने तो कितने छक्के चौके मारने हैं 24 बॉलों में ताकि हम लोग 60 रन बना सके। तो वो कैलकुलेशन होती थी चौके छक्कों की, ना कि सिंगल लेना है या वो करना है। तो आई थिंक वही आदत इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ गई कि रन बनाने यार 25 चौके मारो ना, भागना क्यों है, 100 रन बन जाएंगे 25 चौके। टेनिस बॉल से
दांत आप हमने सुना आपका दांत टूट गया था बचपन में, टेनिस बॉल से टूट गया था? नहीं नहीं, वो टेनिस बॉल से दांत नहीं टूट सकता। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, सातवीं आठवीं में था, तो मैं ऐसे ही टेनिस बॉल खेल रहा था, वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट बॉल से खेल रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी खिला लो। तो उन्होंने कहा तू बहुत छोटा था, तो सब विकेट कीपर पीछे खड़ा हो, जब बॉल आए तो बस पकड़ा दियो। तो मैं विकेट कीपर पीछे खड़ा था विकेट के, तो वो नजरगुड़ा ग्राउंड ना पथरीला ग्राउंड है, वहाँ पत्थर ही पत्थर ज़्यादा है, घास तो कभी हमने देखी नहीं, मिट्टी थी। तो मैं पीछे खड़ा था, बॉल बैट्समैन ने मारी नहीं लगी, तो मैं पीछे झुक के उठाने लगा तो पत्थर पर लग के मेरे मुंह पे लग गई और मेरे दांत पे गेंद लगी, टूट गया दांत, सूज गया, खून आ गए। खून तो जैसे तैसे मैंने रोक लिया, बट वो जो टूटा हुआ दांत था वो नहीं मिला, क्योंकि घर जाऊंगा तो मुझे पता था कि अगर मेरा दांत टूटा हुआ देखा तो मेरी पिटाई होने वाली है। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ने मदर ने पूछा भाई क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, कह रहा होठ की सूजा, मैंने नहीं नहीं वैसे गिर गया था तो लग गई। तो दो दिन बाद उन्हें पता चला मेरा दांत टूटा हुआ है, तो दो दिन तक तो ना मैंने उन्हें मुंह दिखाया ना हंसा कुछ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, और प्लस ये कहा कि भी आज मारा उन्होंने फिर मारा, और मतलब भाई तुमने बताया है नहीं तो ये कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो दो दिन के बाद जब पता चला मारा, और उसके बाद उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। तो मैं क्रिकेट ना खेलूँ ऐसा हो नहीं सकता था, तो मैं अपने घर में ना रोता था, मतलब एक कोने में जाके ना रोने का भी ऐसा है कि आंसू नहीं निकालने, बस इतना ही, एफर्ट भी ना लगे और दुनिया को पता चल जाए, पता चल जाए कि मैं रो रहा हूँ। सो मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी थे भूप सिंह जी, वो आए और उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रहा है, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा बॉल लगी थी, दांत टूट गया तो मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला चल तू भी तो बहुत खेलता कूदता था, तू भी तो बहुत टूटता फूटता था, तेरे को नहीं रोका तू क्यों रोक रहा। तो फिर उन्होंने परमिशन दिला दी खेलने की और फिर क्रिकेट खेलते रहे उसके बाद। यू नो किशोर, वीरूपा जी की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि गैंगस्टर नजफगढ़ में पहले तो गैंगस्टर बहुत हुआ करते वीरूपा जी, उनके बीच आपने खेला, वहीं से आपने कॉन्सेप्ट उठाया कि चलो गैंगस्टर तो बंदूक लेके जाता है, मैं बल्ला लेके 22 गज की पट्टी पर आक्रामकता फैलाता हूँ। गैंगस्टर वहाँ से ये सोच तो नहीं आई कि बंदूक से बैट लेके जाऊँ, बट ये है कि हम लोग बच्चे मालूम नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ खेलने आते थे बड़े, शाम को हमारे साथ, और अगले दिन पता चलता था कि कोई कांड हो गया और उन कांड में वो बच्चे शामिल थे, या ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन वो बच्चों की लाश मिली नाले पर कि उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो उसके बाद हम थोड़ा डर गए थे कि भी फिर पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते भाई तू कौन है, कहाँ से है, किस क्या माँ बाप का नाम है, क्या करता है। वरना उससे पहले तो बहुत सारे से लड़के थे जो दिन में हमारे साथ खेलते थे, रात को कांड करते थे, तो सुबह पता चला या तो पुलिस पकड़ के ले गई या वो उनकी डेथ होगी। तो वो एक ये था कि हमने वो फिर डिस्टेंस बनाना शुरू किया कि नहीं यार हम लोग को उस तरफ नहीं जाना नजफगढ़, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि नजफगढ़ अगर आप 90s में पेपर खोलते थे तो फ्रंट पेज पे होते थे नजफगढ़ में इतने लोग मर गए, ये गैंग वार हो गई, इतने पुलिस ने पकड़ लिए, तो वो स्किल के लिए नजफगढ़ बहुत फेमस था। तो अब उसको बदलते बदलते टाइम लगा, जब मैं इंडिया खेला तो फिर नवाब ऑफ नजफगढ़ का वो मुझे ताज मिला और फिर उसके बाद वो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा फेमस हो गया। ये आप सुशील कुमार भी आ गए उसके जी, बाद जी, आप गर्व करते हैं इस बात पे कि आपने नजफगढ़ की इमेज बदली? नहीं, मैं गर्व करता हूँ कि मैं नजफगढ़ में पैदा हुआ पला बड़ा हुआ, तो ये मैं गर्व करता हूँ। इमेज तो मैंने नहीं बदली, इमेज तो मीडिया ने बदली, क्योंकि मीडिया के हाथ में होता है कि फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापने की बैक पेज पे न्यूज़ छापने, या के बीच में कहीं छाप देने जहाँ कोई पढ़े ना। वीरूपा जी लौट के आते हैं, कल की बात मैं करना चाहूँगा जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मुकाबला रहा और हम बहुत बुरी तरह हारे, एज अ प्लेयर इसे आप कैसे देखते हो? एज अ पेरेंट्स, एज अ प्लेयर, एज अ प्लेयर, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे हमारे सामने है। देखिए हर सीरीज में एक बार बैटिंग कोलैप्स जरूर होता है हमारा, और वो जायज़ और हमारा नहीं हर टीमों का होता है, तो ये है कि उस बैटिंग क्लब्स को ना होने दे उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में भी होता ऐसा नहीं कि हम लोग सारे मैचेस जीते थे, हम लोग हारते थे, बहुत सारे सीरीज आ रहे हैं, तो पार्ट ऑफ द गेम है, बट ये है कि क्या गलतियां की हमने उसको ना दोहराएं दोबारा, या क्या विकेट बनाई है वो सेम विकेट ना बनाएं दोबारा दूसरे सेंटर पर। बट कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर BCCI में आपस में एसोसिएशन के साथ कोई खिंचाव है तो उसके चक्कर में इंडियन टीम पिस जाती है, तो वहाँ विकेट ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर आई इंडियन टीम जीते ही ना, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही होती है BCCI में, तो वो भी कभी कभी रीजन हो जाता है। एसोसिएशन टीम को ही हरवा देती है, टीम को हरवाती नहीं, विकेट ऐसा बना देती है कि फिर टीम उस पर कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि मैंने तो बहुत देखा अपने कैरियर में, हमारे टाइम में बहुत, हम लोग नागपुर में एक टेस्ट मैच खेले थे वो ग्रीन टॉप था, मोहाली में एक बार खेले थे वहाँ पर ग्रीन टॉप था, तो कानपुर में खेले थे एक बार वहाँ टर्निंग ट्रैक था। तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि हमें ध्यान में रखकर कि भाई हमारी
मतलब एसोसिएशन की बोर्ड से लड़ाई चल रही है यार इनको ये दे दो ताकि इनका थोड़ा सा बीसीसीआई का नाम खराब हो ऐसा, बट वो होना नहीं चाहिए। बट ये आई थिंक क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच हारा उसके बाद कमबैक किए, तो आई थिंक वो बैटिंग क्लैप्स एक बार ज़रूर होता है, तो मुझे लगता है शायद वो क्लैप्स अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी बार होना हो जाए वर्ल्ड कप में ना हो। वर्ल्ड कप में कप्तान किसको देखना चाहेंगे आप? जब से मैं रिटायर हूँ कि बहुत सारे कप्तान आए हैं, बट एक भी कप्तान ऐसा नहीं जो हारा हो, और वर्ल्ड कप एक भी कप्तान ऐसा नहीं जिसने जिताया हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है, फर्क ये पड़ता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा। सही प्लेइंग 11 खेलती है तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि कप्तान कोई भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोहली थे तब भी हम लोग बायलैटरल जीत रहे थे, वर्ल्ड कप नहीं जीते, सेमीफाइनल हार गए। रोहित शर्मा बने हैं, उनके अंडर भी वर्ल्ड कप T20 खेले, वहाँ भी सेमीफाइनल हार गए। तो टीम कॉम्बिनेशन उस दिन बेटर होना चाहिए और टीम की उस दिन परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अभी तक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, शायद वही होने चाहिए, और उसके बाद फिर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हो कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता है। विरूपा जी, आप पिच को लेकर मैं बात जरूर करना चाहूँगा, आप क्योंकि आप पूरे दुनिया में खेल रखे हो मुकाबला, हर बार ये होता है कि इंडिया में आके टर्निंग पिच, ऑस्ट्रेलिया कहती कि नहीं अच्छी पिच बननी चाहिए, तो क्या ये जायज़ है कि हम लगातार टर्निंग पिच को ही फोकस बनाएं, अपनी ताकत बनाएं? यार हम लोग ने कभी कंप्लेंट नहीं की ऑस्ट्रेलिया जाके कि हमें ग्रीन टॉप क्यों दे रहे हैं। हम लोग एडिलेड खेले, वहाँ एक बार ग्रीन टॉप मिला, हम लोग ब्रिस्बेन गए वहाँ हमें ग्रीन टॉप मिला, पर्थ गए हमें वहाँ ग्रीन टॉप मिला। सो हमारी तरफ से एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया यार फेयर विकेट होनी चाहिए जी, या फ्लैट विकेट होनी चाहिए, या बैट्समैन के लिए विकेट होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आता जब वो टीमें यहाँ आती हैं तो वो क्यों कंप्लेंट करती हैं। सो एटलीस्ट आपको क्रिकेट खेलना है तो आप अपनी स्किल्स, आपकी बैटिंग की स्किल है तो आपको स्पिन और फास्ट दोनों खेलने आनी चाहिए। सो इंडियन टीम भी तो स्पिन और फास्ट दोनों खेलती है, वहाँ जाकर कंप्लेंट नहीं करती। इतने सालों के बाद किसी टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भारतीय टीम थी। अगर हम लोग कंप्लेंट करते तो हम लोग वो मैच नहीं जीत पाते, टेस्ट मैच। तो ये तो होम एडवांटेज है और होम एडवांटेज का फ़ायदा होना चाहिए। हम लोग जब इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वो हमारे लिए ये सोच के पिच बनाते हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो हमें टर्निंग ट्रैक मिलेंगे, तो इसलिए इनके लिए यहाँ स्विमिंग ट्रैक बनाओ ताकि यहाँ पर हम 4-0 जीते। तो वो हर देश करता है। तो बट क्या है कि जब इंडिया में आके खेलते हैं ना तब वो कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं। आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका खेले तो वहाँ कंप्लेंट नहीं होती, वहाँ कभी। क्या हम उनकी कंप्लेंट ज़्यादा सुनते भी हैं? प्लेयर लोग नहीं सुनते हाँ, बट मीडिया ज़रूर सुनता है क्योंकि मीडिया को सबसे ज़्यादा जो अटेंशन मिलती है वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ पे मिलती है, और जब ये कंप्लेंट होती है तो नेगेटिव न्यूज़ ही एक तरह। पहले हमारा सिस्टम ऐसा था कि हम बड़े ओ में रहते थे कि वाह कोई फॉरेन कोच आएगा, आपने भी फॉरेन कोच के साथ काम किया, तो अब तो वो सिलसिला फाइनली ख़त्म हो गया ये मान लिया जाए? मैं बीसीसीआई में नहीं हूँ तो ये बता नहीं सकता फाइनली वो ख़त्म हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमेशा मानता था कि हमारे देश में भी उतने ही अच्छे कोचेज या प्लेयर हैं जो इंडियन टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो हमें फॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है। बट जो मुझे जब मैं खेल रहा था तो मैंने 2-3 बार पूछा ये सवाल अपने सीनियर से कि भाई जॉन राइट के बाद क्यों हम लोग दूसरा फॉरेन कोच चाहते हैं, तो क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे इंडियन कोचेज़ के साथ अपना टाइम बिताया था। तो वो ये कहते थे कि कभी कभी इंडियन कोच ना बायस हो जाते हैं, फेवरेट हो जाता है, कोई फेवरेट नहीं होता है, तो जो नहीं होता बेचारा उसकी शामत आ जाती है, वो उसको बाहर हो चले जाता है। तो फॉरेन कोच आएगा सबको एक निगाह से देखेगा, ऐसा उनका मानना था, बट एक्चुअली फॉरेन कोच भी आकर सबको एक निगाह से नहीं देखता, उसके भी फेवरेट होते हैं, वो भी नाम के आगे गिर जाता है, ये तेंदुलकर है, द्रविड़ है, गंगुली है, लक्ष्मण है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाद में आप चैपल के फेवरेट बने नहीं कभी? नहीं, मैं आया तो चैपल ने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि भी सहवाग विल बी द नेक्स्ट कैप्टन, और 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं कैप्टन से वो टीम से बाहर हो गए। सो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंडियन टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं, इंडियन टीम को मैन मैनेजमेंट की जरूरत है कि भाई आप एक ऐसा आदमी हो जो सारे प्लेयरों के साथ ना अच्छी दोस्ती रख सके, अच्छा ख्याल रख सके। भाई कोच को ये मालूम होना चाहिए कि बस मेरे को इसको कितनी प्रैक्टिस करानी है, इसको कितनी नहीं, जो कि आई थिंक उन सब में बेस्ट थे गैरी कस्टन, क्योंकि वो मुझे सिर्फ 50 बोले खिलाते थे, राहुल द्रविड़ को 200 बोले खेलते थे, सचिन तेंदुलकर 300 बोले खेलते थे, गौतम गंभीर 400 बोले खेलते थे, आकाश चोपड़ा और ज़्यादा खेलते। तो ये उनको मालूम था कि यार इनको इतनी बोले खेलने को मिलनी चाहिए, इसको इतनी बोले खेलने को मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो छुट्टी देते थे कि भाई अब आपका काम हो गया, आप घर जाइए, होटल जाइए आराम की। तो वो उनको पता होना चाहिए कोचेज़ को कि यार मेरे ये प्लेयर हैं,
इनको मेरे को कितनी प्रैक्टिस करानी है, किसको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, किसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस में मेरी ना कोई बेटर होना है ना कोई ख़राब होना है। तो अगर मैं मेंटली फिट रहूँगा, अच्छा सोचूंगा, तो शायद मैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो हमारे लिए वो काम बेटर है इंडियंस के लिए, कि हम लोग अपने प्लेयरों को उसे मेंटली ख्याल रखें, क्योंकि प्रैक्टिस और फिजिकली तो ख्याल प्लेयर खुद रख सकता है, एक मेंटली होता है ना, उसको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मेंटल फिटनेस की आपने बात की, क्रिकेट से थोड़ा सा अलग लेना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस की बात की जाती है आज की लाइफ में, तो एक क्रिकेटर से ज़्यादा स्ट्रेस किसने देखा जिसमें पूरा स्टेडियम आपके खिलाफ होता है कभी कभी और उसमें आपको जाके खेलना होता है। तो ये जो स्ट्रेस, जो दूसरा स्ट्रेस है जीवन का स्ट्रेस जिससे लोग जूझते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे, आप कैसे हैंडल करते थे? यार मेरा तो फंडा ये था कि स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना आना चाहिए। सो मैं तो कोशिश ये करता था कि बॉलरों को स्ट्रेस दे दो पहली बॉल पे ही, चौका छक्का मार के। सो मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि ज़िंदगी में जितना मिले उससे खुश रहना आना चाहिए। सो मैंने वो टाइम देखा है जब मेरे फादर, मदर, मेरे दो भाई और दो बहनें थी, तो 6 बंदों के लिए 1,000 रुपये मिलते थे महीने के। तो उस 1,000 रुपये में गुजारा किया, फिर वो 1,000 धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 5,000 रुपये हो गए, फिर वो 5,000 से वो 10,000 रुपये हो गए, फिर मैं इंडिया खेला तो वो 1,00,000 रुपये हो गए, एक फिर वो और बड़ा प्लेयर बना तो 10,00,000 हो गए, आज करोड़ है। लेकिन मेरी ज़रूरतें उतनी हैं जितनी मेरे 1,000 में थी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों आ गए तो मेरी ज़रूरतें बदल गई, बट ये है कि मैं खुश हूँ। तो वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इच्छाओं की सीमा नहीं है। सो आज अगर मेरे पास एक 500 गज के प्लॉट पे घर है तो मैं चाहूँगा यार 5,000 गज पे मिल जाए, या 50,000 गज पे मिल जाए, या अंबानी जैसा घर मिल जाए, या मेरा प्राइवेट जेट हो जाए। तो इच्छाओं की सीमा नहीं है, तो जितना अगर उसमें खुश है, उसमें आप खुश हो, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। वीरूपा जी, आपके दौर में, आप सचिन पाजी, हम लोगों ने कवर किया, देखा है कि आपके कुछ टेक्निक में इशू होता था तो आप मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करते थे। आजकल ये देख रहे हैं कि अगर किसी की बल्लेबाजी में टेक्निकल कोई इशू है तो वो ग्राउंड पे कम जिम में ज़्यादा दिख रहा है। टाइम टाइम की बात है, टाइम बदल गया है। तो हमारे टाइम में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे जितना ज़्यादा ग्राउंड पर, जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, चाहे वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो उसको जितना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि एंड में मेरे वो काम ज़्यादा आनी है, जिम वाला काम कम आना। हाँ, जिम से एक फ़ायदा हो सकता है कि मैं 10 साल की बजाय 15 साल या 20 साल खेल सकता हूँ, वो ज़रूर है, वो होना चाहिए, लेकिन वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए, कि अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है मुझे इतनी एक्सरसाइज करना या ये जिम वेट लिफ्टिंग करना, तो मुझे वो करनी चाहिए। नहीं अलाउ करती, मुझे पता है मेरे को बैक प्रॉब्लम है या मेरे को नी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो उतनी ही एक्सरसाइजें करनी चाहिए। आई थिंक स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि बीच में इंडियन टीम में एक ट्रेंड ये भी आया था कि अगर आप यो यो टेस्ट फेल हो गए हो तो आपको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सो अगर हमारे टाइम में ये होता तो हमारे बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी वो टीम का पार्ट ही नहीं होते, क्योंकि वो यो यो टेस्ट कभी नहीं पास कर पाते। तो वो समय स्किल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज भी स्किल ही है। आपको मैच कौन जिताएगा? जो अच्छा खेलेगा वो जिताएगा, जो अच्छा भागेगा वो जिताएगा। सो भागने वाला अगर चाहिए तो फिर वो मैराथन में दौड़ा लो उसे, क्रिकेट खिलाने की क्या ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है। गालियों से बात शुरू हुई जो आपके उसकी, लेकिन उसके बाद तो ये भी कहानियाँ हैं कि आप फिर उनको गाने सुनाते थे प्लेयर्स को फील्ड में। हाँ, मतलब गालियाँ तो एक हद तक ही दे सकते हैं ना। सो मैंने 309 रन बनाए, 254 बनाए, 201 रन बनाए, तो आप पहले 10 मिनट पहले 100 रन तक गालियाँ दे सकते हो, उसके बाद तो फिर भाईचारा बन ही जाता है कि यार अब कितनी गालियाँ दोगे। मुझे याद है एक यासिर हमीद करके एक खिलाड़ी था जब हम लोग पाकिस्तान गए 2004 में, तो वो जब मैंने 300 रन बनाया तो वो हमें लिफ्ट में मिला, तो मुझे वो बोला कि यार मैं इस मैच में तो आउट हो गया, तुमसे अगले दोनों मैचों में तुमसे आउट ही नहीं होने वाला, तुम देख लगना मुझे कैसे आउट करोगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं उसके अच्छा तू डॉन ब्रैडमैन है, तो मैं उसको पूरे टूर पे ना डॉन ब्रैडमैन कहता रहा, डॉन ब्रैडमैन क्या हाल है, डॉन ब्रैडमैन। और उसके उसने ना कोई रन नहीं बनाया अगले दो टेस्ट मैचेस में, तो जब जब आउट होता था मैं उसको कहता रहा डॉन ब्रैडमैन तू तो आउट हो गया है। तो उसने बाद में हाथ जोड़ लिया कि भाई यार तू मुझे डॉन ब्रैडमैन कहना बंद कर, मेरी बहुत बेइज्जती होगी अब तू मुझे डॉन ब्रैडमैन। तो कभी कभी ऐसा होता है गाली ना देके कुछ ऐसी बातें भी कह दो तो चुभती तो है ना, तो फिर उनको ठीक करने के लिए गाने भी गाने हैं। मतलब अगर सखम दिया है तो मल्लम भी तो मैं ही लगाऊंगा। तो कभी कभी गाने भी सुना देते थे, कामरान अकमल थे या वो यासिर हमीद थे, शॉर्ट लेग स्लिप एंड में बैठते थे तो मैं गुनगुना रहा होता था, कह देते यार हमारे लिए भी एक गाना गुनगुना दे। मैच के दौरान ही खेलते खेलते? मैं बाहर तो गाता नहीं था, खेलते खेलते ही गाता, बैटिंग करते वक्त गाता था।
फील्डिंग करते हुए तो फील्डिंग करते हुए अंपायर्स होते थे तो फील्डिंग करते हुए अंपायर के साथ बातें करता था, थोड़ी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाती थी। पाजी आपके नाम 2-13 शतक है, 2 ट्रिपल सेंचुरी आपने लगाई, तीसरा थोड़ा सा चूक गए। एक आपने बात सचिन पाजी से शेयर की थी ड्रेसिंग रूम में कि अगर इस बार मैंने 13 लगा लिया तो एक मिशन था कि मैं आपको दूंगा। पाजी क्या बता पाएंगे कि क्या बातें हुई थी आपकी सचिन पाजी के साथ? वो मिशन तो सक्सेसफुल हो गया बगैर सचिन के तो उसका बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये जरूर है मुझे एक ही लाइफ में अगर मलाल रहा कि मैंने एक बार लाइफ में कुछ करना चाहा क्रिकेट की फील्ड पर, वो था कि जब मेरी तीसरी सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बनाने की, वो मेरी इच्छा थी कि मैं ये बनाऊं और मैं जो मेरा काम था वो सचिन से करूं, बट वो हो ही नहीं पाया तो 293 पे आउट हो गया, तो ना मैंने उनको वो काम बोला, बट मैंने उनसे ये प्रॉमिस जरूर लिया अगर मैं ये थर्ड ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूं तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत पूछा कि भाई क्या वैसे कमिटमेंट नहीं देते कि भाई नहीं क्या काम है क्या काम है। मैंने कहा नहीं आप पहले कमिट करो कि आप करोगे, मैं ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं गलत काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तू बनाता है तो मैं तेरे लिए वो काम कर दूंगा, तो बट वो बना ही नहीं पाया तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की वो काम की, तो बट अब वो काम हो गया तो फिर उसके बारे में चर्चा क्यों करनी है, तो सीक्रेट है सीक्रेट ही सीक्रेट ही। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी 309 रन जो बनाए वो मैं 300 बनाना नहीं चाहता था पाकिस्तान के, वो सर मैं उनको मारना चाहता था, पिटाई करना चाहता था, पिटाई करते करते 300 बनना। 2 सेकंड ट्रिपल सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब बनाई 319, तो टी टाइम तक 170-180 पे मैं इतना थक गया था कि मैंने सिर्फ लप्पेबाजी की, मतलब टेस्ट मैच में जैसे T20 खेलते हैं ना 20-20 रन एक एक ओवर में मारे और पता चला टी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद आया तो 250 पे पहुँच गया तो ऑटोमेटिकली 300 रन बन गए, तो वो बनाना ही नहीं गया मैं 300 रन एक ही बार बनाने का जो बने नहीं। और एक बार ट्रिपल सेंचुरी आपने इसलिए मारी थी कि आपको मसाज करवाना था किसी से? हाँ वो भी मतलब ये था कि एंड्रू लीपस हमारा फिजियो था तो वो कभी मसाज नहीं करता था प्लेयर को, वो मैश्योर के पास भेजता था, तो मैंने कहा यार मेरी बैक बहुत सोर है, मसाजर को पता नहीं है क्योंकि माने का हमारे एक मसाजर होते तो वो अपने देसी थे, बस तेल लगाया और घसीट दिया हाथ, तो उन्हें नहीं पता कौन सी मसल कौन सा टेंडन क्या है, तो मैंने कहा एटलीस्ट तू करेगा तो तुझे पता है कि कौन सी मसल है कौन सा टेंडन है कहाँ पर ग्लूट मसल होती है। मैंने कहा उन्हें क्या बताऊँ मैं ग्लूट मसल, उनको बोला ग्लूट मसल तो हैमस्ट्रिंग पे चढ़ जाते थे, तो उनको मसाज का मतलब है कि तेल लगाओ और हाथ से रगड़ दो बस, तो वो उन्होंने बोला अगर तू 300 बनाएगा तो मैं तेरे को मसाज करूंगा, तो एक वो रीजन भी था कि चलो 300 हो गया तो मसाज मिल जाएगी। कितने घंटे तो, मसाज कराए आपने? हाँ तो उन्होंने दी हाँ उन्होंने एंड्रू लीपस ने 1 घंटा मसाज दी, बट 1 घंटे की जगह मैंने 1.5 घंटा कराया, मैंने कहा यार आधा घंटा तो फालतू बनता है। ये इंग्लिश का फिर क्यों, आपने कहा ना कि एम्पायर से इसलिए बात करते थे कि भाई इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्यों ऐसा क्या शौक था, ये क्यों करनी थी? नहीं देखिए अब जब आप अंपायर से बात करते हो तो आप अंपायर के फेवरेट भी हो जाते हो, थोड़ी उसकी तारीफ भी करते हो, व्हाट यू आर वेरी गुड अंपायर, तो कभी कभी सचिन को गलत आउट दिया तो मैंने कहा यू आर राइट है नो, सो ही वाज डिसअपॉइंटेड बट यू आर राइट योर डिसीजन वाज स्पॉट ऑन, एंड तो उस चक्कर में आपको एक दो बार आउट नहीं देता क्योंकि आप उसके फेवरेट हो जाते हो। अगर आप अंपायर के फेवरेट हो गए जैसे रूडी कस्टन एक अंपायर थे, डेविड शेफर्ड एक अंपायर थे, तो ये जब मैं बैटिंग करता था मैं लप्पा मारता था ना तो वो जब मैं उनके पास खड़ा होता तो मेरे को कोनी मारते थे ऐसे जोर से कि आई वांट टू सी योर बैटिंग आई नो डोंट हिट इन द एयर, आई सेड ओके, तो एटलीस्ट ये तो शोर हो गया कि पैड पे जो क्लोज अपील होगी वो मैं आउट नहीं होने वाला हूँ क्योंकि उसको मेरी बैटिंग देखनी है, तो वो फायदा मिल जाता कभी कभी अंपायर। आज वो दिन मिस करते हैं आप सचिन पाजी युवराज भज्जी पाजी? आज मैं उनकी कंपनी मिस करता हूँ बट खेलना कभी नहीं मिस करता क्योंकि मैं मेरे शरीर में इतने दर्द हैं कि दोबारा खेलने जाता हूँ दर्द वापस आ जाते हैं तो वो फिर गलत है, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मतलब उनको थ्रो डाउन कराता हूँ तो मेरा कंधे 2 शोल्डर सर्जरी हुई है राइट शोल्डर की, उन्हीं से थ्रो डाउन कराना पड़ता है, तो 10-10 मिनट बांटे हुए हैं कि बस उससे ज़्यादा मैं थ्रो नहीं मार सकता, उससे ज़्यादा मारा तो मेरा दर्द वापस आ जाएगा कंधे का, बट क्या है कि 2 बच्चे हैं एक को अगर ज़्यादा करा दी तो वो टाइम नोट करते हैं कि भाई उसको 12 मिनट कराई तो मुझे भी 12 मिनट कराओ, तो मुझे टाइमर लगाना पड़ता है कि 9-10 मिनट का बस उतनी, बट उनसे मिलना मिस हो जाता है कि कभी कभी मिलते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं पुरानी बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं, मज़ा आता है वो पुराने दिन याद करके, वो अच्छे दिन बच्चों को क्रिकेटर बनेंगे बच्चे खेल रहे हैं उनकी मर्जी है, तो मैंने उन्हें फुटबॉल भी खिलाया स्विमिंग भी सिखाई और क्रिकेट भी, तो अब क्रिकेट अगर वो प्रस्यू करना चाहते हैं क्यों नहीं, बट ये यहाँ पर कोई नेपोटिज्म नहीं है कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे वो प्लेयर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उन्हें उतने साल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो जूनियर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर वो अच्छा खेलेंगे परफॉर्मेंस देंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाप के नाम पे वो आगे चले जाएंगे,
तो खुद उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय टीम को कई बल्लेबाज मिले जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन एक सोच है विरूपाजी जो आप लेके खेलते थे, उस सोच का बल्लेबाज आपको टीम इंडिया में कोई दिख रहा है कि हाँ ये मेरी तरह सोच रहा है, ये पहली गेंद से लप्पा मारेगा? पता नहीं, मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई प्लेयर है, मतलब अगर दो प्लेयर क्लोज आए तो एक पृथ्वी शॉ है, एक ऋषभ पंत। सो ऋषभ पंत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टेस्ट मैचेस में खेलता था थोड़ा बहुत वो उसके करीब है, बट वो क्या है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 90-100 पे। सो मैं सेटिस्फाई होता था 200-250-300 पे, तो उनको अगर वो वहाँ तक लेके जाएंगे तो और ज़्यादा एंटरटेनमेंट देंगे मुझे ऐसा लगता है। पाजी, खतरों के खिलाड़ी आपको कहा जाता है, आप 94 पे होते हो, लोग कहते हैं भाई धीरे से मार, सेंचुरी पूरी कर लो, लेकिन आपको मारना छक्के से ही है। तो ये जब सचिन पाजी भी कहते थे कि मेरे रुक जा सेंचुरी पूरी कर ले, तो ये जिद क्या थी? नहीं भैया मारूंगा तो यूं ही। नहीं, जिद नहीं थी कि मैंने जैसे बताया मैं टेनिस बॉल में ना चौके छक्के गिनता था कि कितने मारने, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वही है कि कितने चौके छक्के मारने 100 तक पहुंचने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 90 पे पहुंच गया हूं और 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 10 बॉलें खेलनी है, एक रन लेनी है, क्योंकि 10 बार अपॉर्चुनिटी है मेरे आउट होने की। बट अगर 2 बॉल पर रिस्क लेके मैंने मारा तो अपॉर्चुनिटी 2 ही बार तो है, सो परसेंटेज 20% आ गया 100 से, सो 20% चांस आउट होने के, बट लेकिन सक्सेस होने के तो पूरे पूरे चांस हैं। तो वो था कि जितनी जल्दी आप 90 से निकल जाओ उतना बढ़िया है, उतना कम प्रेशर है। तो मे बी कभी कभी शायद इसलिए वो मुझे रोकते थे कि मैं आउट भी तो हुआ हूँ 90s में, कि मुझे किस्सा याद आता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो मैंने 195 तक पहुँचने से पहले मैंने 2 छक्के लगाए कैटेज को और मैं 195 पहुँचा, तो मैंने कहा तीसरा भी मार देता हूँ, लेवनिया बॉलर है, तो मैंने फिर मारा और मैं आउट हो गया। तो 195 आउट होकर वापस आया, तो वो टेस्ट मैच हार गए हम। तो हम लोग अच्छे बोले 300 कुछ पे 2 आउट 3 आउट थे और फिर सडनली 336 पे ऑल आउट हो गया, 360 पे ऑल आउट हो गए और वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा और 100 रन तक मैंने 6-7 छक्के लगा दिए थे, तो सचिन बैटिंग करने आए तो उन्होंने कहा कि अगर अब तूने छक्का मारा ना मैं तेरे को बैट से मारूंगा। तो मैंने कहा यार लेकिन ऐसा क्यों? तो बोले नहीं तेरी वजह से हम लोग पिछला टेस्ट मैच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, तूने 195 छक्का मारने हैं। तो लिटरली मैंने 110-120 के बाद से लेकर 295 तक छक्का नहीं मारा, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे। सो 295 हो गए, तो तब मैंने उनको बोला कि नहीं यार मैं अब छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300 रन। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया पहला प्लेयर। सो मैं कहा मेरे बाद जो आईएस है वो 281 है। तो कह रहे तू पागल, अच्छा ठीक है। तो मैंने सपोर्ट किया अगले ओवर में, सकलेन मुस्ताफ को छक्का लगा और 300 रन बनाए, तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हुए सचिन तेंदुलकर। तो वो प्यार उन्होंने मुझे दिया, दिखाया मेरे लिए। वो ये चाहते थे कि यार ये खड़ा रहेगा तो पता है तेज खेलेगा, हमारी टीम के रन जल्दी बन जाएंगे, टाइम ज़्यादा मिलेगा हमें ऑल आउट करने को दूसरी टीम के लिए। चलिए कुछ ऑडियंस से सवाल लेते हैं। शालिनी मस्त मौला, वीरेंद्र सहवाग और मुल्तान के सुल्तान को 2007 में कप्तान बनते बनते रह गए और अभी कोच बनते बनते रह गए, तो कहीं ना कहीं मलाल है सर? सब कुछ पा लिया और इस चीज का मलाल है? बिल्कुल भी नहीं है मलाल, क्योंकि मैं खुश हूँ ना जो मुझे मिला। नजफगढ़ के एक छोटे से घर फैमिली से आया हूँ जो फार्मिंग करती है, और उससे आकर इंडिया खेला है, मतलब इतनी परफॉर्मेंस दे दी, इतना प्यार दे दिया, आप लोगों ने नाम दे दिया, वो बहुत है। कप्तान बन जाता तो मुझे इज्जत दूसरी तो नहीं देता ना, यही देता ना जो भी दे रहे। कोच बन जाता तो भी यही देते। कोच बनना चाह रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे मैं तो अप्लाई भी नहीं करता, अगर विराट कोहली या मुझे BCCI सेक्रेटरी उस समय अमिताभ चौधरी थे वो अप्रोच नहीं करते, तो उन्होंने मुझसे पूरी मीटिंग की कि भाई इन दोनों अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में कुछ जम नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि आप अप्लाई करो, आप कोच बनो। सो उस समय तो अप्लाई भी नहीं था, उन्होंने कहा था बस आप कॉमेंट्री करने जा रहे हो 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी, वहाँ से अनिल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप टीम लेके वेस्ट इंडीज चले जाना। तो मैंने ना हाँ दी ना दी, मैंने कहा ठीक है, बट मैंने ये जरूर कहा कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा स्टाफ जाएगा, तो जो मेरा मैं कोच हूँ, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और फिजियो ट्रेनर, ये सब मैं अपने चॉइस के लेके जाऊँगा। तो अगर इतनी चॉइस दे दी मैंने कि मुझे मिल जाती तो मैं कोच बन के चला जाता, वो मुझे मिली नहीं तो मैं गया नहीं। आखिरी सवाल पाजी, क्योंकि आपके दो साथी हरभजन सिंह और गौतम गंभीर पहले से राजनीति में हैं और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, वीरेंद्र सहवाग राजनीति की पिच पर अगले लोकसभा चुनाव में उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक बार पहले आपको ऑफर शायद मिल चुका है? ये हर बार जब इलेक्शन होता है ये सवाल जरूर आता है हर बार। सो ये और मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ कि मैं सारी लाइफ ना कॉन्ट्रैक्ट पे खेला हूँ, अगर कोई पार्टी मुझे कॉन्ट्रैक्ट देगी 5 साल का तो मैं जरूर। तो चलते चलते वो गीत तो बता दीजिए जो, या सुना दीजिए जो आप पाकिस्तानियों को सुनाते थे। क्या
गाना, वो जो गीत गुनगुनाते थे आप बहुत सारे, मतलब उस समय मैं किशोर कुमार के गाने गुनगुनाता था, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, दोस्ताना का था, तेरे जैसा यार का, मैं लय मतलब सिंगर नहीं हूँ यार, सो बेसुरा गाऊंगा, बेसुरा गाऊंगा, पिच पे गाते थे वैसे, अगर एक लाइन अगर अगर वो लोग फील्ड पे सुन सकते हैं तो हम यहाँ तो सुन ही सकते हैं चौपाल पे, बट उन्होंने ये नहीं कहना है तो सुर में सुना। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। तो चले जाते हैं किसी की धुन में और इन्हीं की धुन पे देश चलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, बिग अप्लॉज फॉर वीरेंद्र सहवाग। वीरू जी दो मिनट, पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने किया उद्घाटन, करीब 377 करोड़ की लागत से बनी है पाइपलाइन। दिल्ली में राहुल गांधी के घर मौजूद स्पेशल सीपी समेत दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी, 16 मार्च को पुलिस ने नोटिस भेज राहुल से पूछा था सवाल, महिलाओं के यौन शोषण को लेकर राहुल ने दिया था बयान। कांग्रेस विरोध के बीच मुंबई पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से उठी हिंदू राष्ट्र की बात, बाबा बागेश्वर ने कहा हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है तोड़ना नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बैंक लूटने के आरोप में पुलिस गिरफ्त में 5 लोग, हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से गिरफ्तारी, एक कार, 2 पिस्टल और 38 गोलियां, 1,00,000 रुपए भी बरामद। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट में आग लगने से हड़कंप की स्थिति, मशक्कत के बाद आग को किया गया कंट्रोल, गनीमत रही कि हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई मौजूद नहीं था। मुंबई के बड़े इलाके में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने महिला कुमारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, पुलिस हिरासत में कार ड्राइवर। बिहार के गोपालगंज में आदमी की हत्या, 2 दोस्तों पर ही हत्या का आरोप, जश्न मनाने के दौरान मामूली बात पर कहा सुनी में हत्या को दिया अंजाम, आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के जोधपुर में हिस्ट्री शीटर की हत्या, करीब 10 बदमाशों ने घात लगाकर किया हमला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। असम के कोकराझार के बाजार में आग लगने से हड़कंप, आग की चपेट में आई कई दुकान, दमकल की गाड़ियों ने आग को किया कंट्रोल, आग की वजह से लाखों का नुकसान। आगरा के नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप, थोड़ी ही देर में आग की गोली में तब्दील कार, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान। बिहार के कटिहार में रेलवे के दफ्तर में भीषण आग से अफरा तफरी, दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग को किया कंट्रोल, आग लगने की वजह से जान जारी। मध्य प्रदेश के मंडला में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हादसे की तस्वीर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में बस सवार 25 यात्री घायल, उज्जैन से अहमदाबाद जा रही थी बस। झारखंड के बांका में नाबालिग से रेप के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान 50 किलो चरस पकड़ी, कार की स्टेपनी में छिपाकर लाई जा रही थी करोड़ों रुपए की चरस। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस गिरफ्त में साइबर आरोपी मंसूर अंसारी, क्रेडिट कार्ड एक्टिव करवाने के नाम पर सीआरपीएफ महिला जवान से करीब 2,00,000 की। और न्यूज 18 इंडिया चौपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर संसद में माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, साथ ही राहुल गांधी को नासमझ भी बताया है। अच्छा, डेवलपमेंट को मापने का कोई पैमाना होता है क्या? विकास की रफ्तार को भला कोई कैसे जांचे? वेल, आसान है 5G फोन के डेटा की स्पीड और वंदे मातरम ट्रेन की रफ्तार से। हमारे अगले मेहमान है ब्यूरोक्रेट से केंद्रीय मंत्री बने अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय रेल और संचार की तस्वीर ही बदल दी। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए
अश्विनी वैष्णव जी का और उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।